मकड़ी होता है। तो प्लांट्स चैप्टर है, ठीक है। प्लांट्स डाइवर्सिटी कि प्लांट्स कितने तरह के फैले हुए, ठीक है। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट पे अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लैनेट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे प्लैनेट पे, अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स इसीलिए डाइवर्सिटी इसलिए बोला है क्योंकि बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं। कुछ जो प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं, सम ऑफ देम ग्रो इन ऑन लैंड एंड सम ऑफ देम ग्रो इन वाटर। द प्लांट्स पार्ट आर मॉडिफाइड डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट इन विच दे ग्रो। फॉर इंस्टेंस द कैक्टस प्लांट ग्रो इन डेजर्ट। अलग अलग प्लांट अलग अलग जगह के हिसाब से ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस जो है, कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो कि डेजर्ट में उगता है, जहाँ पे सूखा होता है, एकदम चारों तरफ सूखा होता है, डेजर्ट में उगता है। कैक्टस का प्लांट जो जिसमें कांटे कांटे होते हैं, वो कहाँ उगता है? कैक्टस वो कहाँ? डेजर्ट्स में उगता है। कहाँ उगता है? डेजर्ट्स में, उसमें कांटे होते हैं, ठीक है। डेजर्ट डू नॉट हैव लॉट ऑफ वाटर, डेजर्ट्स में ज्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है। तो हेंस द कैक्टाई हैव अ थिक स्टेम टू स्टोर वाटर इंस्टेड ऑफ लीव्स। और कैक्टस प्लांट्स हैज स्पिन्स दैट कीप एनिमल अवे फ्रॉम इट्स वाटर फिल्ड स्टेम। उस कैक्टस में क्या होता है कि ज्यादा फूल पत्तियां सब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो वो क्या करता है कि अपने जो स्टेम होता है उसी में ही पानी को स्टोर करके रखता है, बहुत सारे। हाँ, उसके अंदर पानी स्टोर करके रखता है। और अपने ऊपर कांटे भी होते हैं, उसके ऊपर बॉडी पे कांटे होते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, उसके पानी को कोई निकाल ना ले, तो इसीलिए उसके ऊपर कांटे भी होते हैं। हाँ, पूरा बॉडी में होता है। स्नोई रीजन हैव कोन शेप्ड ट्री टू हेल्प द स्नो स्लाइड इजीली ऑन टू द ग्राउंड। जहाँ पे स्नो गिरते हैं, जहाँ पे बर्फ गिरते हैं, वहाँ पे एक स्लोप टाइप के ट्रीज होते हैं ज्यादा। वहाँ देखोगे ज्यादातर स्लोप टाइप के ट्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि स्नो जो उस पर गिरेगा वो धीरे 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 नीचे गिर जाए ताकि उसके ऊपर ना अटके। तो इसीलिए जहाँ भी स्नो होता है वहाँ, मतलब जिस तरह का एनवायरमेंट है, जिस तरह की जगह होती है, पेड़ भी उसी तरह का अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी तरह के पेड़ ट्रीज जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। डेजर्ट वाले प्लांट का हमारा हो गया, अब हम वहां पहुंच गए स्नो वाले ट्रीज के पास। तुम पहुंचे कि नहीं वहां पहुंचे? हाँ, पहुंच जाओ। अभी वो कांटे वाले पे तुम अटक गए, मुझे लग रहा है जो कांटे वाले ट्रीज थे उसी के पेड़ में अटक गए लगता है, कहीं उससे निकल के स्नो वाले ट्री पे आ गए। स्नो वाले ट्री कोल्ड रीजन में होते हैं, जहाँ पे स्नो गिरते हैं, स्नो गिरते हैं, बर्फ के छोटे छोटे स्नो वो गिरते हैं, तो वो एक स्लोप टाइप में होते हैं। उसके ट्रीज जो होते हैं कैसे होते हैं? ऐसे स्लोप टाइप, ट्राइंगल के शेप में, ताकि उस पे जो बर्फ गिरे तो वो स्लाइड करता हुआ कहाँ चला जाए? नीचे पेड़ पे, ना अटका हुआ रह जाए, ठीक है। वाटर प्लांट्स टू हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम स्टे अलाइव इन वाटर। जो वाटर में जो प्लांट होते हैं उनके भी एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है ताकि वो पानी के अंदर जिंदा रह सके, ठीक है। हमने अब बताया कि कितने वैरायटीज के अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं पानी में, डेजर्ट्स में, स्नो रीजन में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट। अ प्लांट इज अ लिविंग थिंग्स एंड हैज मेनली टू पार्ट्स, द शूट एंड अ रूट्स। द शूट एंड अ रूट्स, शूट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। द इट कंटेन स्टेम, ब्रांच, लीव, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट्स। ये तुम्हें पता ही होंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स,
ठीक है, और दूसरा होता है रूट्स. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट्स. अब इसमें क्या बोल रहा है कि पार्ट ऑफ प्लांट में दो तरह के दो पार्ट में बांटे हुए प्लांट्स को, किसमें, शूट्स में और रूट में. शूट क्या होता है, जो जमीन के ऊपर रहता है, और रूट क्या होता है, जो जमीन से नीचे होता है. रूट्स जो उसकी जड़ें होती हैं, उस जड़ों को रूट कहते हैं, और जो शूट होता है वो जमीन से ऊपर होता है. जमीन से ऊपर क्या चीजें होती है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, सारी चीजें ऊपर होती है जो हमें दिखती है. समझ आ रहा है, आ गए ना, स्नो से इस पेड़ पे आ गए ना पार्ट्स ऑफ प्लांट. किस पे आ गए, पार्ट्स ऑफ प्लांट पे. ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट में उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में. कौन कौन सा, शूट्स और रूट्स. वेरी गुड, शूट्स और रूट्स. शूट्स जो जमीन के कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं. वेरी गुड, और रूट्स जो जमीन के नीचे होते हैं. ठीक है, अब क्या है कि रूट का फंक्शन क्या है, अब उसके फंक्शन पढ़ते हैं. रूट का फंक्शन ऑफ रूट, रूट एब्जॉर्ब द वाटर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल एंड सेंड इट टू द स्टेम ऑफ द प्लांट. रूट क्या करता है, नीचे से पानी और न्यूट्रिशन, जमीन से पानी और न्यूट्रिशन लेता है और वो स्टेम को दे देता है. स्टेम पता है ना, हाँ. क्या कि वो जो मिट्टी होता है, क्या स्टेम, हाँ स्टेम जो पेड़ का तना होता है, जो निकले डंडिया जो होती है वो स्टेम होता है. स्टेम नहीं पता था, स्टेम तो हमने कब का पढ़ लिया. हाँ, स्टेम जो पेड़ों की डंडिया होती है स्टेम होता है. ठीक है, रूट्स जो है वो न्यूट्रिशन और वाटर कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड सॉइल, सॉइल से. किससे लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, और वो स्टेम में दे देते हैं. किस में दे देते हैं, स्टेम में. ठीक है, रूट्स हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट्स जो है, जैसे आप जमीन में खड़े होते हो दोनों पैरों से, ऐसे ही प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसको सीधा जमीन पे खड़ा होने के लिए उसको हेल्प करता है. वो जमीन में मिट्टी को पकड़ के रखता है ताकि प्लांट्स सीधा खड़ा रहे. समझ में आया, मैंने रूट्स नहीं देखा. रूट्स दिखा देंगे. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर द प्लांट. वी ईट दीज रूट्स एड फूड. ठीक है, इसका मतलब बता दो आप. किसका, जो आपने अभी क्या पढ़ा बताओ. आपने अभी बोला ना स्वीट पोटैटो. द रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर देयर प्लांट. वी ईट दीज रूट्स एज फूड. कुछ रूट्स में, कुछ जो प्लांट होती है जिसमें अंदर ही जमीन के नीचे ही फ्रूट्स उगते हैं, जैसे क्या हुआ, रेडिस, मूली, कैरेट, वो जमीन के नीचे उगते हैं, जहाँ पे उसकी जड़ होती है ना, जड़ में ही वो उगते हैं. जैसे नॉर्मली प्लांट्स में उगते हैं जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो जमीन के नीचे ही उगते हैं. मूली हो गया जो जमीन के नीचे उगते हैं, क्या रेडिस, कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये जो होते हैं वो जमीन के नीचे उगते हैं, उसके जड़ के जड़ पर ही होते हैं. उसका जड़ जो होता है वो यही प्लांट वो बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं. जड़ उसका बन जाता है, हाँ जड़ उसका फ्रूट्स बन जाते हैं, और फिर जड़ को ही हम खाते हैं. हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. टैप रूट्स. Some plant have a thick root just below the stem. ठीक है, tap root. Some plant have a thick root just below the stem. उस tap root होता है जो कि बहुत thick होता है, बहुत ही मोटा होता है, वो just stem के नीचे ही होते हैं. This is the main root and it goes deep into the soil. It has many thin side root sprouted out of it. Plants such as carrot, lettuce and mustard have tap root. अब देखो, roots भी दो तरह के होते हैं, ठीक है,
कुछ के रूट्स होते हैं मोटे, बहुत मोटे रूट्स होते हैं, जड़। रूट समझ में आता है क्या? जड़ जो कहाँ पे होता है? जड़ जमीन से नीचे, नीचे जमीन से नीचे होता है। तो रूट्स दो तरह के होते हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट जो होता है थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, ठीक होता है, और उसमें जो रूट्स नीचे जा रहे होते हैं उसमें छोटे छोटे फिर और रूट्स होते हैं, वो टैप रूट हो गया, ठीक है। फाइबर रूट्स जो होते हैं, सम प्लांट डू नॉट हैव वन मेन रूट, इंस्टेंट दे हैव अ लॉट ऑफ स्मॉल रूट ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ देयर स्टेम, दीज रूट्स आर कॉल्ड फाइबरस रूट। फाइबरस रूट में क्या होता है कि स्टेम के बाद छोटे 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 बहुत सारे रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? बहुत सारे रूट्स होते हैं। तो हमारे कितने टाइप के रूट्स हो गए? दो। कौन कौन से? फाइब्रस रूट्स और टैप रूट्स। टैप रूट्स, टैप रूट्स, ठीक है। तो हमारे दो तरह के रूट्स हो गए, हमने रूट्स के लिए पढ़ लिया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने क्या पढ़ा? रूट्स, रूट्स पढ़ा। उसके बाद रूट्स में कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। एक कौन सा होता है? एक स्टेम, एक रूट। एक शूट होता है और एक रूट होता है। एक शूट होता है जिसमें सारी चीजें होती है, और रूट जो होता है सिर्फ जड़ होता है उसमें। अब रूट में भी, रूट में हमने पढ़ लिया कि दो तरह की होती है, टैप रूट और फाइबरस रूट। अब हम पढ़ेंगे स्टेम। अब जमीन से ऊपर वाली चीज, अभी हमने जमीन से नीचे वाली पढ़ी कि रूट्स कितने तरह के होते हैं, मोटे और पतले वाले रूट्स, ठीक है। हाँ, अब पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट, इट सपोर्ट ब्रांचेस, लीफ, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन इट। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम। स्टेम क्या होता है? उसका तना होता है, उसमें जितनी भी डंडियां निकली होती हैं वो सारे स्टेम होता है। तो स्टेम क्या करता है? पूरे प्लांट्स को कंट्रोल कर रखता है, उसमें जितने भी फल होते हैं, जितने पत्ते होते हैं, ये उन सब टहनियाँ, उन सबको वो सपोर्ट करके रखता है। कौन रखता है? स्टेम। स्टेम सपोर्ट मतलब हेल्प करना, किसी चीज को सपोर्ट करना। तुम जगी हुई हो, सो गई हो, तो सपोर्ट नहीं पता तुमको? टीचर जैसे तो बच्चों को सपोर्ट करती है। हाँ, सपोर्ट करना, सपोर्ट करो उसको, हेल्प करो उसको, उसकी मदद करो, वो मदद करता है। स्टेम जो है वो मदद करता है पूरे प्लांट्स को, फ्रूट्स, वेजिटेबल और इन सब को पकड़ के रखता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का क्या फंक्शन है? हेल्प अ प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट, प्लांट्स को हेल्प करता है स्ट्रेट खड़ा रहने में। कौन हेल्प करता है? स्टेम रूट्स को करता है खड़ा होने में। स्टेम का और क्या फंक्शन है? रूट्स उसको खड़ा करने, सही से खड़ा रहने में होता है, वो मट्टी को पकड़ के रखता है, प्लांट सीधा खड़ा रहता है। और उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर जो स्टेम जब बढ़ते रहते हैं तो उसको सीधा खड़ा करने में भी उसको हेल्प करता है स्टेम, ठीक है। बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स फ्रूट्स इन सबको अपने ऊपर, जहाँ पेड़, जहाँ फ्रूट्स उगते हैं, पत्तियाँ उगती हैं, ठीक है, इन सबको होल्ड करके रखता है। कौन? स्टेम, ठीक है। स्टेम देखो, पूरे प्लांट्स को तो जड़ होल्ड करके रखता है, और उसके बाद जो पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको कौन होल्ड करके रखता है? स्टेम, ठीक है। कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स टू द लीव एंड अदर प्लांट्स। देखो इसका क्या क्या फंक्शन हुआ, पेड़ को सीधा रखना, पत्तियों को, फूल फ्रूट्स को, इसको सही रखना स्टेम का। उसके बाद जो रूट्स से हमें न्यूट्रिशन और वाटर मिल रहा है वो हर पार्ट को पहुंचाना, लीव्स को, फ्रूट्स को, सारे पार्ट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम। स्टेम सारे पार्ट्स को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। वो जो देखो, एक तो उसका फंक्शन क्या हो गया स्टेम का, कि नीचे से जो न्यूट्रिशन उससे मिले, किससे? रूट्स से जो न्यूट्रिशन मिले, और क्या मिले? वाटर, उसको सारे प्लांट्स में पहुंचाना। उसके बाद लीव्स खाना बनाती है, पता है ना कैसे? सनलाइट से
सनलाइट से, सनलाइट से जो रोशनी से जो खाना बनाती है वो फिर स्टेम को देती है, और स्टेम क्या है पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, स्टेम का, स्टेम का ये फंक्शन हो गया। क्या हो गया फंक्शन, मतलब उसका क्या काम है, स्टेम का क्या फंक्शन है, मतलब उसका क्या काम है, वो क्या काम करता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्टेम में आते हैं। अब स्टेम कितने टाइप से होते हैं। अ प्लांट दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम इज कॉल्ड अ ट्री, एग्जांपल पाइन एंड अशोक। ये प्लांट्स होते हैं कुछ जिनके जो स्टेम है बहुत मोटे होते हैं। देखा होगा बाहर कुछ जो पेड़ है उनके स्टेम एकदम मोटे मोटे से, कुछ के पतले हैं। दादी हमारे पार्क में भी एक प्लांट है जिसका इतना मोटा मोटा है, मोटा स्टेम है, ठीक है। तो वो भी डिफरेंट टाइप के स्टेम होते हैं, ठीक है। दादी वो अशोक पेड़ है ना। प्लांट्स लाइक कैलेंडर एंड मिंट आर थिन ग्रीन स्टेम प्लांट, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। सम प्लांट हैव वीक स्टेम, स्टेम ऑफ सच प्लांट आर वेरी सॉफ्ट एंड नीड सपोर्ट। प्लांट लाइक मनी प्लांट एंड बेटर ग्राउंड क्लाइंब अप विद अदर सपोर्ट्स, ठीक है। जैसे अपने मनी प्लांट पानी वाले में डाला हुआ है तो उसको क्या है सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए। उसके स्टेम ज्यादा मोटे नहीं होते, पतले होते, क्या होते हैं पतले स्टेम होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, स्टेम पार्ट, ये हमारा था टाइप, ये अब steps. हमने स्टेम का फंक्शन पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। अब आए लीव्स पे। लीव्स, अ लीव इज अ फ्लैट यूजुअली ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम और इट्स ब्रांचेस। द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीव इज कॉल्ड इट्स ब्लेड, द बॉटम ऑफ द ब्लेड इज रफ एंड लाइट इन कलर व टॉप ऑफ स्मूथ एंड डार्क कलर। द थिन विंग कॉल्ड द मैरबिडिन रन थ्रू द लीव, दिस वेन्स हैज मेनी साइड्स वेन्स शूटिंग आउट ऑफ इट, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। द बॉटम ऑफ अ ब्लेड हैज मेनी टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा इज ऑल्सो यूज बाय लीव टू लेट ऑल एक्स्ट्रा वाटर। देखो लीव्स के बारे में क्या बताया, लीव्स एक ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है टॉप में एकदम डार्क ग्रीन होगा और बॉटम में लाइट ग्रीन होगा, ठीक है, हल्का ग्रीन होगा, ठीक है। और ऊपर एकदम फ्लैट होता है, कैसा होता है फ्लैट होता है, ठीक है। और नीचे कैसा होता है रफ होता है, थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है, ऊपर एकदम फ्लैट होता है और ब्लेड की तरह होता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है वो स्टोमेटा बताया था ना, जिससे वो क्या लेते हैं सांस लेते हैं, सांस लेते हैं स्टोमेटा, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीव, लीव का क्या फंक्शन है, अभी हमने किसका फंक्शन पढ़ा था स्टेम का, अब हम फंक्शन किसका पढ़ रहे हैं लीव्स का। मेकिंग फूड फॉर द प्लांट इन अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लीव, लीव का सबसे प्राइमरी फंक्शन मेन फंक्शन है कि फूड खाना बनाना, ठीक है, प्लांट्स के लिए खाना बनाना। अ ग्रीन लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में वाटर और एयर और सनलाइट की हेल्प से और न्यूट्रिशन जो नीचे से मिलता है उसकी हेल्प से वो फूड बनाते हैं, ठीक है। कैसा फूड कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स को से जो खाना बनाते हैं, वैसे उनका भी अपना एक अलग प्रोसेस है खाना बनाने का, कैसे बताया था अभी, सनलाइट आती है स्टोमेटा से, स्टोमेटा से एयर लेते हैं और जो रूट से जो वाटर आता है वो वाटर स्टेम उसको पहुंचा देता है, वो अंदर ही अंदर खाना बनाता है, ठीक है। क्योंकि वो लीव्स है तो वो अपने तरीके से खाना बनाते हैं, वो हमारी तरह सिलेंडर और वो सब यूज करके नहीं खाना बनाएंगे, उनका अपना प्रोसेस है, ठीक है। तो वो समझो उनका अपना प्रोसेस है खाना बनाने का, ठीक है। सम प्लांट्स सच एज स्पिनिच
cabbage and mint store food in their leaves. We use these leaves for our food. सब कुछ food होते हैं जैसे जैसे वो अरबी का पत्ता देखा था। अरबी कहाँ? हाँ है ना, वो वहीं पे रहते हैं, वो छोटे छोटे बस पत्ते उसमें से निकलते रहते हैं। तो वो क्या है कि अपने लीव्स के अंदर ही फूड को सारा स्टोर करके रखते हैं। लेकिन दूसरे जो पेड़ होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, वो क्या है कि लीव्स में से खाना पूरे पेड़ को पहुंचाते हैं। लीव्स से स्टेम को देते हैं, स्टेम को बनता कहाँ है खाना? हाँ, तो लीव्स से ही तो लेके जाते हैं ना सारा। और मैं क्या बता रहा हूँ वो समझो, मैं बता रहा हूँ कि जो छोटे प्लांट है ना उसका खाना लीव्स में ही रह जाता है, और जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसका खाना लीव से फिर स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, ठीक है? फ्लावर, अब उसका क्या पार्ट होता है? फ्लावर, फ्लावर इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट्स का एक कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है? फिर होता है फ्रूट्स, फ्रूट्स इज अ स्वीट एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट्स का एक स्वीट और फ्लैशी प्लांट पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? फ्रूट्स। फिर होता है सीड्स, सीड्स क्या होता है? जो कि प्लांट्स के छोटे छोटे जो नए प्लांट्स उगने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? प्लांट्स आर मोस्ट एबंडेंटली फाउंड लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, दे यूजुअली ग्रो फ्रॉम सीड्स, वो एक छोटे सीड से निकल के फिर बनते हैं, जैसे सीड दिखाया ना ये धीरे 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 होते हुए ये पेड़ बनते हैं, ठीक है? तो वो सीड्स के थ्रू होते हैं, ठीक है? सीड्स छोटे प्लांट को अपने अंदर बचा के रखते हैं। हाँ। दैट इज नॉट।